भारत पाकिस्तान के बीच एनएसएस स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इस वक्त पाक आर्मी चीफ, गृह मंत्री और अपने विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग भारत के साथ 23 अगस्त को शुरू होने वाली बातचीत से पहले खासी अहम देखी जा रही है, क्योंकि अब तक उनके पाकिस्तान ने अपना कोई कार्यक्रम भारत के साथ साझा नहीं किया है। वहीं हुर्रियत से बातचीत में दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद से एक सहयोगी जुड़ चुके हैं, कसवार कलात्रा। आपका आपसे जानना चाहूंगा, अभी क्या अपडेट है आपके पास? हेलो जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या अपडेट आ रहा है वहां पर? जी, ये बड़ी बेहतरीन एक डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, जबकि ये तीसरी मुलाकात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। एक हाई प्रोफाइल मुलाकात आज सुबह सवेरे एक कॉल की है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एक पावरफुल आर्मी चीफ, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, फेडरल होम मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान, पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, मुशीर आला हैं, पाकिस्तान के इंटरनल और बैरूनी मुलाकात को मामलात को देखते हैं सरताज अजीज साहब, और उनके साथ मामले खसूसी मौजूद हैं तारिक फातमी साहब, और उसके अलावा कैबिनेट मेंबर्स और भी शामिल हैं। ये अभी क्लियर नहीं है कि DGISI उसके अंदर शामिल हैं या नहीं है, लेकिन इस बार इस जो मुलाकात है इसकी खास बात यह है कि पहले इससे तीन मुलाकातें पहले हो चुकी हैं, एजेंडा तय हो चुका हुआ था, सारी चीजें सारे मामलात हो चुके हुए थे, और सरताज अजीज साहब ने जस्ट अपने डेलीगेशन के साथ इंडिया में जाना था, वो 22 को जाते या तो 23 को जाते, तो उससे पहले इस मुलाकात का कोई तुक बनता नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी थोड़े से सिविल सोसाइटी और दूसरे एक्सपर्ट्स ने इस मामलात को उठाया कि जब आप इंडिया के साथ बात करने जा रहे हैं और रूस में, रशिया में, उफा में ये चीज आप लोगों ने तय की थी कि आप सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड आप चीजें डिस्कस करेंगे, तो फिर हुर्रियत लीडर्स को इस पॉइंट पे आके आपने इनवाइट करने का कोई जवाब बनता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, जो आपने जानकारी दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी अपने दर्शकों को बताते हैं कि काफी गहमा गहमी चल रही है, नवाज शरीफ बैठकों का दौर कर रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, यह अभी तक साफ नहीं है।